भारत में इस समय मानसून का दौर चल रहा है और देश के कई हिस्सों में बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड हो गया है। यह स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में है, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही इतनी बारिश हो जा रही है कि कई दिनों का कोटा पूरा हो जा रहा है। इसकी वजह से भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इस समय देश में जिन राज्यों में भारी बारिश हो रही है, उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। मुंबई में 24 घंटे के भीतर ही 153 मिलीलीटर बारिश हो गई, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं बादल फटने की, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में भी देखने को मिला है। वीडियो में बादल फटने के बाद आए सैलाब को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे, जिसे देख आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। यह हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वह भारी बारिश का बहुत ही खौफनाक स्वरूप है। इस मंजर को एक विदेशी फोटोग्राफर ने कैद किया है और यह घटना भारत के बाहर की है। इंटरनेट पर जोरदार तरीके से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कई देशों से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यह वीडियो ऑस्ट्रिया का है। वीडियो में दिख रहा है कि अचानक एक जगह आसमान से मानो लाखों गैलन पानी इंद्र देवता ने उड़ेल दिया हो। प्रकृति की इस अद्भुत घटना का वीडियो जो कोई देख रहा है उसके होश उड़ जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बादल फटते कैसे हैं? तो ब्रिटेनिका.com के मुताबिक सामान्य तौर पर एक सीमित क्षेत्र में बहुत ही कम समय में अचानक बहुत ही भारी बारिश होना बादल फटना कहलाता है। अधिकतर मामलों में प्रकृति की ये घटना गरज के साथ बारिश से जुड़ी होती है। मौसम के जानकारों के मुताबिक भी जब एक ही समय में एक ही स्थान पर अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो इस तरह से बादलों का सारा पानी बूंदों के शक्ल की बजाय एक साथ धरती पर आकर गिरता है तो वह बादल फटना कहलाता है। अगर कुछ ही क्षेत्र के अंदर एक घंटे के भीतर 100 ml से ज्यादा बारिश हो जाए तो यह बादल फटना कहलाता है। 16-17 जून 2013 की वो तारीख थी, उसके दरमियानी रात में उत्तराखंड के उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 479 मिलीलीटर बारिश हुई थी। यह उस वक्त का खौफनाक मंजर था, जब नमी वाले बादल आसमान में एक जगह ठहर कर संघनित होते हैं और पानी की बूंदे जुड़ने लगती हैं। इसकी वजह से वे बादल का घनत्व बढ़ने लगता है। इस समय धरती से गर्म हवा या बादल के नीचे की गर्म हवा ऊपर उठने से उसके दबाव में बादल फट जाता है और आसमानी सैलाब गिरनी शुरू हो जाती है। जिस भी जगह पर यह घटना होती है वहां आपदा की आशंका बढ़ जाती है। बादल फटने की घटनाएं पहाड़ी इलाकों में सामान्य है, क्योंकि यहाँ पहाड़ की वजह से मानसूनी बादल रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उसके नीचे हवा का दबाव बढ़ता है तो इसके फटने की आशंका बढ़ जाती है। वैसे ये प्राकृतिक घटना दूसरी जगहों पर भी हो सकती है। फिलहाल हिमाचल से ये वीडियो आया था जिसका सैलाब साफ तौर पर देखा जा रहा है, और उसी के साथ सवाल उठ रहा था कि बादल फटना क्या होता है, इसको भी हमने विस्तार से बताया। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।